नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। नॉर्थ कोरिया और चीन हमसाया है, बारूदी साजिशों के हमराज हैं। जिनपिंग जैसी चाबी किम में भरते हैं, सन की वैसा ही एटमी जाल बिछाकर बैठा जाता है। अब की बार चीन ने वो चाल चली जो अगर कामयाब हो जाती तो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस तबाह हो जाते, यूरोप के कई मुल्क धधक उठते। चीन ने तबाही का टेंडर किम को दिया था। प्रोजेक्ट 13 के तहत नॉर्थ कोरिया के बारूदी एजेंट दुनिया भर में एक्टिव थे। एक हनी वॉइस के जरिए किम ने कैसे जाल बिछाया और कैसे ब्रिटिश एजेंसी ने किम का एटमी मैसेज डीकोड किया, जरा देखिए। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, वो एजेंसी जो दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसियों में शुमार है, वो एजेंसी जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, जिसकी कुव्वत, जिसकी सूझबूझ उसे बेजोड़ बनाती है। उसी एजेंसी को चीनी प्यादे का चैलेंज मिला था। तारीख थी 25 अगस्त 2020। कहने समझने और परखने के लिए 13 अंकों का ये कोड था, 01000110001001। 13 अंकों का ये वो कोड था, एटमी वॉर के माहौल के बीच दुनिया में हड़कंप मचाने के लिए ये कोड, ये आवाज ही काफी थी। दुनिया के सुपर पावर मुल्कों को धमकाती एक आवाज, बारूदी चेहरे का नाम है किम जोंग। भाषा थी कोरियाई और आवाज थी एक ऐसी लड़की की, लेकिन ये आवाज किसकी थी? मुमकिन है कि आवाज किम यो जोंग की हो। इसी किलर आवाज से जुड़े किम के प्रोजेक्ट 13 का हर कोड डिकोड हो गया। तहकीकात में कनेक्शन चीन के चमचे नंबर 2 किम जोंग उनसे जुड़ा। 13 अंकों की ये पहेली जब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने सुलझाई तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। किम ने कितना घातक जाल बिछा रखा था, चीन की शह पर किम ने मौत के कितने एजेंट कहां और किस मुल्क में और क्यों एक्टिव किए थे, आज सिलसिलेवार तरीके से चीन और नॉर्थ कोरिया की साझा साजिश का खूनी पन्ना खुलेगा। किम का ऑपरेशन एजेंट कोड नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया पर अटैक। 1906 में वजूद में आई MI6 एजेंसी के सामने बड़ा चैलेंज था। 13 अंकों की थ्योरी को सुलझाने में खुफिया एजेंसी को 288 घंटे लगे। किम और जिनपिंग के ऑपरेशन एजेंट के पहले तार ऑस्ट्रेलिया से जुड़े, वो ऑस्ट्रेलिया जिससे चीन की नहीं छनती, जिससे 36 का आंकड़ा है। किम के प्रोजेक्ट 13 का पहला कोड डिकोड हुआ तो ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा बारूदी खतरा टल गया। खुफिया एजेंसी MI6 ने किम के बड़े प्लान को फेल कर दिया। किलर प्रोजेक्ट का मैसेज डिकोड होते ही चीन और नॉर्थ कोरिया का एक एजेंट हांगकांग में पकड़ा गया। जिस शख्स को हांगकांग से MI6 ने गिरफ्तार किया है, उसने किम और जिनपिंग के प्रोजेक्ट 13 के बारे में कई राज उगले। मिशन का पहला मकसद या फिर पहला मैसेज ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा था। ब्रिटिश एजेंसी के मुताबिक किम का आदेश था कि सबसे पहला टारगेट होगा ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री एयरबेस। यह ऑस्ट्रेलिया का रॉयल मिलिट्री एयरबेस है। 1921 में बना यह एयरबेस ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ताकत है। यहाँ फाइटर प्लेन 24 घंटे एक्शन मोड में रहते हैं। इसी एयरबेस पर एटमी हमले की तैयारी थी। चीन के ऑर्डर पर किम ने यहां पर आत्मघाती एजेंट्स को एक्टिव कर दिया था, जिन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सैन्य ठिकानों की रेकी की थी, बल्कि वो जल्द ही मिलिट्री बेस को बम से उड़ाने वाले थे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यहां तक दावा किया है कि किम के एजेंट्स फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में तोड़फोड़ करने वाले थे और मकसद था दंगे भड़काना। मैसेज पकड़े जाने के बाद किम ने अपने सभी एजेंट को आदेश दिया कि अगले आदेश का इंतजार करें। किम का ऑपरेशन एजेंट कोड नंबर 2, फ्रांस पर अटैक। एक्सप्रेस यूके का दावा और हैरान करने वाला है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की डिफेंस डिजिटल टीम से जुड़े एक्सपर्ट्स ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में किम की साजिश का भंडाफोड़ किया। ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एयरबेस के साथ किम के एजेंट फ्रांस में भी एक्टिव हैं, जिन्हें किम ने वीडियो मैसेज तक भेजा था। किम
किम की बारूदी मंडली यूरोप में फ्रांस के सैन्य ठिकानों पर बड़ी तबाही मचाने की फिराक में थी। यूरोप के और भी मुल्क चीन उत्तर कोरिया के एजेंट्स के टारगेट पर थे। ब्रिटेन ने मैसेज को डिकोड कर इसकी जानकारी फौरन अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खुफिया एजेंसियों को दे दी। हालांकि इस मैसेज के पूरे हिस्से को डिकोड करने में अभी भी काफी वक्त लगेगा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया से एक और मैसेज को डिकोड किया गया। उसमें कहा गया है, उसमें आदेश दिया गया कि सभी एजेंट अगले आदेश तक इंतजार करें। किम का ऑपरेशन एजेंट कोड नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया डील। किम के तीसरे ऑपरेशन के तार ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के बीच हालिया कृषि व्यापार समझौते से जुड़े। इसी डील के खिलाफ पहले से ही उत्तर कोरियाई एजेंसियां बड़ा मिशन छेड़ने की फिराक में थी। किम के एजेंट्स इस डील के पीछे भी हाथ धोकर पड़े थे। एटमी हमला कर ऑस्ट्रेलिया की नजरों में इंडोनेशिया को विलन बनाना था। दावा इस बात का किया जा रहा है कि यह काम उत्तर कोरिया अपने सबसे बड़े सहयोगी चीन को खुश करने के लिए कर रहा था। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध इस समय चीन से अच्छे नहीं है और ऐसे में अगर दोनों देशों में उपद्रव होता है तो इसका सीधा फायदा सिर्फ चीन को होगा। जो किम पहले बारूद के लिए बदनाम था, जिसकी परमाणु सनक से दुनिया पहले ही परेशान थी, उसी किम ने चीन के इशारे पर पूरे यूरोप को दहलाने की साजिश को रचा था। नॉर्थ कोरिया के साथ चीन के फरेबी चेहरे को ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने सबके सामने बेनकाब कर दिया। अब इंतजार है पक्के सबूत मिलने का। इसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन के चमचे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।